मैदान अरफात में रुकन आजम वकूफ़ अरफा अल शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान अनबली का खुतबा हज, रब के हुजूर नेमतों की शुक्र गुजारी, आलम इस्लाम की सरबुलंदी और दुनिया से मसाइब के खात्मे की दुआएं, रुए ज़मीन पर खालिक कायनात की सबसे बड़ी इबादत हज बैतुल्ला के मनासिक की अदायगी जारी, खुतबे के बाद जहर और असर की नमाज एक साथ अदा की जाएगी, गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफा रवाना होंगे और रात खुले आसमान तले गुजारेंगे, पूरी इबादत के दौरान समाजी फासले के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जब सूरज बहुत तेजी से चमकता है तो ग्लेशियर भी पिघल जाते हैं, तो मेरे ये कौमी सोच के साथ ये ग्लेशियर पिघला है। ना ना के बाद हाँ, सूरज चमका, बर्फ पिघल गई, ऑपोजिशन राम, पहले कमेटी फिर सेनेट, दोनों सेंस दहशत गर्दी एक्ट तरमीमी बिल और अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर हो गए। हुकूमत चाहती थी नैब समेत चारों बिल इकट्ठे पास हों, पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इकोनॉमिक टेररिज्म बिल हमारे एतराज पर वापस लिया गया, लेकिन FATF बिल बगैर तरमीम जल्दी में पास करवा दिया। जिनके अंदर तरामीम हुई थी जो FATF के बिल थे, तरामीम हुकूमत ने कबूल की और तरामीम बिल को इफेक्टिव बनाने के लिए थी, दोनों बिल तरमीम के बगैर कल जल्दी में पास करा दी। अब ऐसा लगता है कि कल मोशन इस मुल्क में मौजूद नहीं है, तीन दफा काउंसलर की रसाई दी गई और नहीं आया, इसका मतलब है वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते। सेनेटर मुशाहिदुल्ला की कयास सराय कुलभूषण के जाने की दलील ये कहकर दी कि तीन बार पेशकश पर भी काउंसलर रसाई क्यों ना मिली, वजीर खारजा ने साफ जवाब दे दिया कुलभूषण कहीं नहीं गया। वो कैद में है, जो सजा उसको दी गई उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई, वो मुल्क छोड़ के नहीं गया और ना हमारा कोई ऐसा इरादा है कि वो रातों रात यहाँ से फरार हो जाए। कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की हुकूमती दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में बेंच तश्कील, समाअत 3 अगस्त को होगी। आईन में कहां लिखा है मुआवनीन दोहरी शहरियत नहीं रख सकते, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला के रिमार्क्स, कहा वजीर आजम पर भारी जिम्मेदारियां हैं, वजीर आजम अगर किसी की मदद ले तो इसमें क्या हर्ज है, अगर वजीर आजम को इतना इख्तियार भी ना दें तो कैसे निजाम चलेगा। कराची में बारिश से तबाही, सिंध हुकूमत की नाहली, वजीर आजम आवाम को रिलीफ देने मैदान में आ गए, वजीर आजम की हिदायत पर चेयरमैन NDMA शहर कायद पहुंचेंगे, वजीर आजम की पाक फौज को भी कराची की सफाई में हिस्सा लेने की हिदायत। कच्ची आबादियां नहीं, कराची की बारिश ने अच्छे अच्छे इलाकों का हुलिया बिगाड़ दिया, नॉर्थ नाजमबाद की गलियों का बुरा हाल, जगह जगह कीचड़ से शहरी परेशान। मरगजार चिड़ियाघर से शेरों के जोड़े की लाहौर मुंतकली के दौरान हलाकत, शेरनी ने गुज़श्ता रोज रास्ते में मौत हुई, शेर लाहौर पहुंचकर मर गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। शीशा बड़ी जेल में ही मनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में खुशीशा और उनके बेटे फरुख शाह की जमानत की दरखास्त पर समाअत, वकील फारूक नायक की अदम हाजिरी पर मुलतवी कर दी गई। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी में तेजी, सबको मनपसंद बकरे बैल दुम्बे चाहिए, लेकिन बढ़ती कीमतें आड़े आ रही हैं, मुल्क भर में लोगों का इज्तमाई कुर्बानियों पर जोर। और शाहिद अफरीदी के घर भी कुर्बानी के जानवर आ गए, बूम बूम बचपन की यादें याद करके आहें भरने लगे, कहा क्या दिन थे जब कुर्बानी के जानवर पूरे मोहल्ले में घुमाया करते थे।